Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों सुबह मैंने आपसे लोगों से एक सर्वे कराया था एक वोटिंग कराई थी जिसमें मैंने पूछा था कि आगे की वीडियोस किससे रिलेटेड बना, बनानी है तो उसमें लगभग 50 परसेंट लोगों ने ग्रुप डी को चूज़ किया उसके बाद डी आर डी ओ तो इस वोटिंग को देखते हुए दोस्तों आगे की जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें मैक्सिमम जो होंगी वो ग्रुप डी की होंगी और ऐसा नहीं है कि बाकी वीडियोज़ नहीं आएंगी बाकी वीडियोज़ भी आएंगी डी की भी वीडियो आएगी और रेलवे ए की भी आएगी तो रेलवे ए बस तीन एग्जाम बचे हैं तो इस पर भी फोकस किया जाएगा आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी जो जो मिलती आई हैं लेकिन अब मैक्सिमम फोकस रहेगा ग्रुप डी पर क्योंकि दोस्तों 17 सितंबर से एग्ज़ाम है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में पहले देख लेते हैं कि ग्रुप डी में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों सिलेबस का पेज हमारे सामने है मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पता होगी लेकिन जिनको नहीं पता है उनको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ ये सी परीक्षा होगी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जो कुल अवधि जो है यानी टाइमिंग है टोटल वो 90 मिनट का है और प्रश्नों की संख्या 100 है यानी कि डेढ़ घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं इसमें दोस्तों दिया गया है न्यूनतम प्रतिशत मात्रा है 40 परसेंट जनरल के लिए ओबीसी के लिए 30 एस के लिए भी 30 और एस के लिए भी थर्टी तो यानी कि आपको इतना तो लाना ही लाना है अगर इसके नीचे अगर आप लाते हैं तो आपका वैसे भी आपको मेरिट के अंदर जोड़ा नहीं जाएगा लेकिन आपको इतना लाने से काम नहीं चलने वाला है आपको मेरिट के अंदर आना है अगले चरण के लिए अगला चरण जो है वो फिजिकल है आप लोग जानते ही होंगे तो हम लोग आज बात करेंगे रिटर्न का यानी पहले पेपर का तो उसमें दोस्तों एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए मैथ में जो पोर्शन है जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो है वोडोमास संख्या पद्धति दशमलव भिन्न लघुत्तम एल सी एम एच सी एफ अनुपात समानुपात प्रतिशत मैंसुरेशन समय कार्य समय दूरी साधारण ब्याज चक्रवेद ब्याज लाभ हानि बीज गणित जयमती और टेक्नोमेट्री प्रारंभिक संख्या की वर्गमूल आय गणना कैलेंडर और घड़ी नल और टंकी आदि तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है मैथ से यानी अगर मैथ में देखा जाए तो मैथ का पूरा का पूरा लगभग पोर्शन आपको पढ़ना है अच्छे से सेम वैसे ही जैसे कि था रेलवे एएलपी में तो ये मैथ वाला पोर्सन तो दोस्तों बिल्कुल सेम सेम है और रीजनिंग का भी अगर देखा जाए तो रीजनिंग भी दिया तो ये सब चीज़ें हैं लेकिन पूछा जाएगा मैक्सिमम लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग पूछने का कारण ये है दोस्तों कि आजकल जो बाकी के रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह घड़तीय संक्रियाएं संबंध ब्लड रिलेशन ये सब वगैरह इसको तो सभी लोग कर ले जाते हैं तो उनको क्वेश्चन देने का फ़ायदा ही नहीं रह पाता है इस वजह से ये मैक्सिमम फोकस जो आजकल के एग्ज़ाम में हो रहा है और आगे के आने वाले एग्जामों में भी होगा वो यही होगा लॉजिकल रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस होगा होगा लॉजिकल रीजनिंग में जैसे निष्कर्ष निर्णय लेना उसके बाद कथन निष्कर्ष कथन पूर्व धारणा कथन अनुमान ये सब वगैरह आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में तो इन सब चीज़ों को पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है आने वाले एग्ज़ामों में और आजकल के एग्ज़ामों में क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाते हैं इसमें मैक्सिमम गलतियाँ करते हैं अब अगर दोस्तों बात करें पार्ट थ्री यानी कि सामान्य विज्ञान का तो उसमें हाई स्कूल लेवल के फ़िजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कहा गया है पाठ्यक्रम में रखा गया है सिलेबस में तो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन कंपटीशन हाई होने की वजह से थोड़ा सा अब भी पूछा जा सकता है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा हम लोग का बेनिफिट होगा चल नेक्स्ट पार्ट दोस्तों करंट अफेयर है करंट अफेयर में विज्ञान प्रौद्योगिकी खेलकूद संस्कृति व्यक्ति विशेष अर्थशास्त्र राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया गया है तो इसमें इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड किया जाएगा तो इकोनॉमिक्स वो भी करंट अफेयर बेस्ड ए में ये नहीं था यही थोड़ा सा डिफरेंस है ए और ग्रुप डी में तो इसमें इकोनॉमिक्स पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है ओके तो ये था दोस्तों हम लोग का सिलेबस कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है खास करके मैथ और रीजनिंग में तो मैथ और रीजनिंग पोर्शन में इसके बाहर तो नहीं पढ़ना है बचा साइंस साइंस में देखो क्या है दोस्तों कि कंपटीशन टफ़ होने की वजह से ये साइंस में ही थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है तो इसमें हम लोग को ध्यान ये देना है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्योंकि अब समय बचा नहीं है सत्रह सितम्बर से, से पेपर है तो हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिट होगा और रही बात करंट अफेयर की तो करंट अफेयर दोस्तों अगर देखा जाए एल के एग्ज़ाम को अगर मद्देनज़र रखते हुए अगर हम लोग देखें बात करें तो एल में वो दो क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ ले रहा था करंट अफेयर में दस में से दो क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ ले रहा था बाकी उसमें चार क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछ रहा था और चार क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती थी तो अगर जो मॉडरेट लेवल का भी तैयार कर लेता था करंट अफेयर वो आसानी से छः से सात क्वेश्चन करंट अफेयर के सॉल्व कर ले रहा था तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए भी आपको दोस्तों ऐसा ही कुछ करना है चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग को तैयारी करनी है इन सत्रह दिनों में किस प्रकार से हम लोग प्रिपरेशन करें कि हम लोगों का कवर हो जाए अच्छे से क्योंकि दोस्तों एग्जाम सत्रह सितंबर से है तो आप उसको केवल पंद्रह दिन ही मानकर चलिए बाकी के जितने दिन आपको बच रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए रिवीजन के लिए आप जो सत्रह दिन बचा हुआ है पंद्रह दिन बचा हुआ है अब उस पंद्रह दिन में आपको टारगेट बनाना है जो जो सलेबस है उसको सबको एक पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख लीजिए अच्छे से पहले मैथ फिर रीजनिंग जी का जो पोर्सन है यानी कि साइंस और ये करंट अफेयर ठीक है इन सभी चीज़ों का पॉइंट बाय पॉइंट लिख डालिए पूरा और डेली का टारगेट सेट कीजिए टारगेट कैसे सेट करना है मैं आपको बताता हूँ आप सुबह उठिए सबसे पहले आप पाँच मिनट दीजिए कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है मेन टारगेट आपके सामने होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक आपको टोटल क्लियर करना है और साथ ही में उसमें से तीन तीन चार चार टॉपिक डेली का टारगेट बनाइए और डेली का डेली आप सुबह उठिए सबसे पहले देखिए कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को बनाइए उस टारगेट को बनाइए और डेली उस चीज़ों को इस प्रकार से कवर कीजिए जैसे कि लगभग 10 से 12 दिन में वो सारी चीज़ें कवर अप, कवर कवरअप हो जाएं तो अगर आप दोस्तों 10 से 12 दिन का टारगेट बनाएंगे तो कभी किसी दिन आपकी रेगुलरिटी टूट गई या किसी दिन कोई काम आ गया तो फिर भी आपका मैनेज होते होते, होते वो पंद्रह दिनों के अंदर अंदर कवर हो जाएगा अगर आप 12 दिन का बनाएंगे तो 15 दिन जाते जाते वो चार वो सारी चीज़ें टारगेट कवर हो जाएंगी लेकिन आप अगर 15 दिन का बनाएंगे तो वो 17, 18 दिन पर जाएगा ऐसा सभी लोगों के साथ होता है दोस्तों मेरे साथ भी होता था आपके साथ भी होता है और सभी लोगों के पास साथ भी ऐसा होता है अगर आप टारगेट बड़ा बनाते हो तो उससे छोटा आप अचीव करने की कोशिश करते हो लेकिन अगर आप टारगेट ही छोटा बनाएंगे तो फिर आप उससे भी कम अगर नीचे अचीव करने की सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा लेकिन अगर आप टारगेट बड़ा बनाएंगे तो फिर अगर आप उसका सेवेंटी फाइव भी परसेंट अचीव कर लिए तो बहुत हो जाता है तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप पूरा का पूरा सिलेबस एक जगह लिख लीजिए और उसको चिपका लीजिए जो सामने दिखता रहे हमेशा रोज़ आपको वो दिखाई पड़े और उसके बाद आप डेली का टारगेट बनाइए पर डे सुबह उठिए और पाँच मिनट में आप टारगेट सेट करिए कि क्या आज पढ़ना है सिर्फ यही देखिए कि क्या आज पढ़ना है कितनी देर पढ़ना है ये मत देखिए अगर आप ऐसा बनाएंगे कि कितनी देर पढ़ना है तो जब वो टाइम हो जाएगा तो तुरंत आपकी आंखें बंद होने लगेंगी या आप बुक बंद करने का मन करेगा लेकिन अगर आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है तो जब तक आप टॉपिक नहीं पढ़ देंगे पढ़ लेंगे चाहे वो दो घंटे में हो या डेढ़ घंटे में हो या तीन घंटे में हो तो तब तक आपको वो लगेगा कि मेरा टारगेट आज का अचीव नहीं हुआ है तो इस प्रकार से टारगेट सेट कीजिए कि आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना है और साथ ही में दोस्तों इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दूँ ग्रुप डी के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट दूं तीस से चालीस या चालीस पचास क्वेश्चंस का जिसको मैं लाइव लेकर आऊँगा यूट्यूब पर तो आपको उसको पंद्रह मिनट की वीडियो को आपको देखना होगा डेली आप उसको देखिए उसके साथ ही आप अगर आप उसको डेली देखते रहेंगे तो साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा और प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग होती रहेगी और लेवल भी पता लगता रहेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं और लास्ट टाइम बचा है दोस्तों तो कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पहले के बारह दिन में आप सलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए सलेबस के बाहर मत पढ़िए कुछ अब जो बारह दिन बचा है बारह से पंद्रह दिन उसमें केवल आप सलेबस पर ध्यान दीजिए ओके और बाकी का जो दिन बचता है उसके बाद उसके बाद जो बचेगा उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से रिवीजन आपको करना है कि तुरंत जल्दी से जल्दी दो से तीन दिनों के अंदर आपका पूरा कवर अप हो जाएगा हालांकि सात तारीख को अभी देखेंगे आप लोग कि सात तारीख को जैसे ही पता लगेगा लोगों को कि उनका एग्ज़ाम चौबीस को है या पच्चीस को है उनका एग्ज़ाम अगले महीने में चला गया तो वो लोग थोड़ा स्लो हो जाएंगे लेकिन ऐसा आपको नहीं होना है आपको हमेशा अपने टारगेट पर चलना है और जो टारगेट आपको पंद्रह तारीख़ के पहले पहले का है कि पूरा सिलेबस अच्छे से कवर अप करके रिवीजन कर डालना जब एक बार दोस्तों आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो उसके बाद की जो चीज़ें होंगी जो छोटी मोटी चीज़ें छूटी रहती हैं उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे आप तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा इसलिए दोस्तों शुरुआत में सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा कवर कीजिए लेकिन अगर आप सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी और ये कॉन्फिडेंस की कमी आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है तो इस वजह से पहले आप सिलेबस कवर कीजिए उसके बाद जो छोटी मोटी टॉपिक्स बचती हैं उनको आप इधर उधर से यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं उनको मैं धीरे धीरे आपको बताता भी रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी छूट रही हैं क्या क्या चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस पूछी जा सकती हैं तो डेली इस चैनल के साथ बने रहिए और साथ ही में मैं डेली प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूँगा कि आपको आपकी प्रैक्टिस डेली होती रहे सौ पचास क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व कराता रहूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बने इसके रहे। साथ ही दोस्तों आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम नजर आए आप कमेंट कीजिए मैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा उस टॉपिक को चाहे वो मैथ हो रीजनिंग हो विज्ञान हो करंट अफेयर हो हर सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से तो फिर इस चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करके रखिए सब्सक्राइब करेंगे तो आप बेल आइकॉन बन के आएगा तो उसको जरूर प्रेस करके रखिए क्योंकि उसको प्रेस करके रखेंगे तो जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों नोटिफिकेशन पहुँचना क्योंकि आजकल यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं कि वीडियो छुप जाती हैं तो आपको नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करना ज़रूरी है तो दोस्तों इस वीडियो में इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ मैं आया था जो कि डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इस चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय अपडेट